के लिए, क्योंकि अश्विनी के साथ एक गेस्ट नजर आ रहे हैं। शिवांगी आते हैं, पूरी बात सुनेंगे आपकी, माफ कीजिएगा बीच में रोकना पड़ रहा है। अश्विनी, आपके साथ कौन मौजूद हैं और इन साहब का क्या कहना है बजट के संदर्भ में? जी, आनंद सिंघानिया जी हैं, जो मशहूर सिंघानिया परिवार से हैं, साथ ही जेके एंटरप्राइजेस के सीईओ हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे आखिर इनका बजट को लेकर क्या कहना है। सर, आप ये बताइए कि जिस तरह से बजट आया है, इस बजट से क्या उम्मीदें हैं आपको कि आगे चलकर जिस तरह से अर्थव्यवस्था स्लो डाउन है, अच्छा होगा? देखिए, बजट में इन्होंने बहुत सारा अच्छी तरह से फोकस किया है फार्म इकोनॉमी पर, रूरल इकोनॉमी पर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए। इस इकोनॉमी में जब एग्रीकल्चर फार्म, जो बहुत अहम परसेंटेज है, जब यहाँ पर अच्छा काम होगा तो ये पैसा, ये लोग जो कमाएंगे, ये पैसा अल्टीमेटली मेन इकोनॉमी में आने ही वाला है। तो मुझे इस हिसाब से बहुत पॉजिटिव लग रहा है। जहाँ तक इंडस्ट्री हो, एमएसएमई हो, तो इस एरिया में हमें और ज़रूरत है। हम सोच रहे थे कि जीएसटी में कुछ रेट्स कम होंगे, वो नहीं हुआ। ऑटो सेक्टर के लिए कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर कई क्वार्टर से बहुत तकलीफ में है, वो हमें नहीं दिखा। तो रियल एस्टेट में भी पैसे की लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं हुई। बहुत एक अच्छा चीज़ किया उन्होंने, कहा कि जो टैक्स टेररिज्म है वो निकाल दिया है, कहा है कि जो कंपनीज एक्ट में है वो निकाल दिया है। पर्सनल टैक्सेशन में भी जो फेस टू फेस करने की ज़रूरत नहीं है, सब ऑनलाइन हो रहा है। हमने ऑलरेडी देखा है, जहाँ भी हम ऑनलाइन जाते हैं कुछ तकलीफ़ें होती हैं, पर जब हम ऑनलाइन जाते हैं, एक बार सिस्टम सेट हो जाता है, तब चीज़ बहुत जल्दी हो जाती है। जो पासपोर्ट हमें 3 हफ्ते से 3 महीना लगता था, अभी 1 से 2 दिन में हमें मिल जाता है, भले नया हो या रिन्यूअल हो। तो ऑनलाइन जब हम जाएंगे, ऑटोमेटेड करेंगे, तो इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए। ऑनलाइन होने से बेनिफिट मिलेगा, ऑनलाइन होने से करप्शन पर भी रुकावट लगेगी, और ये जो फेसलेस किया गया है इस व्यवस्था को, वो जाहिर है अच्छी है, लेकिन कहा ये जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कि एग्रीकल्चर के लिए ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन इंडस्ट्री और ऑटो सेक्टर खास तौर से जिस तरीके से उम्मीद भरी निगाहों से बजट की तरफ देख रहे थे, कुछ खास हासिल नहीं हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं।